और एक बार फिर से बात करते हुए आपको बताएं, नवाज शरीफ ने आज एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का ऐलान करता हूं। ये भी कहा वक्त आ गया है कि जो कुछ हुआ इसका पता चले। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नसीम जहरा साहिबा। नसीम जहरा साहिबा, क्या समझती हैं आप, नवाज शरीफ ने आज फिर एहतसाब अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू की है और ये कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मुस्तरद करते हैं, क्या कॉमेंट करेंगी इस पर आप? देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि PMLN और जो हुकूमत पाकिस्तान है वो यकीनन इस वक्त बड़ी एक कंफ्यूजन का शिकार है, मुसीबत का शिकार है, क्योंकि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शाह खाकान अबासी साहब ने फिर अभी कहा नेशनल असेंबली में कि नवाज शरीफ साहब की जो बात है वो तोड़ मड़ोड़ के पेश की गई और जो इंडियन मीडिया कह रहा है वही पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने उठा लिया। देखिए, किस्सा बड़ा मुख्तसर है, उसमें जो दो फिक्रे हैं उस इंटरव्यू में, उसमें उन्होंने ये जो कहा कि हम क्यों जाने देते हैं लोगों को यहाँ से, मिलिटेंट्स को जिन्होंने जाके 150 लोगों को वहां मारा है, और हमने क्यों ये जो केस है उसको मुकम्मल नहीं होने दिया जो मुंबई का केस है। अब बात ये, जब नवाज शरीफ साहब की इस तरह उनको कोट करके लिखा गया है डॉन अखबार में, इसका मतलब कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम क्यों जाने दिया, यानी कि रियासत और हुकूमत जाने देती है लोगों को। अब वो सबसे बड़ा तनाजा यही उठता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या वो कह रहे हैं कि आमदन जाने दिया है हुकूमत ने और रियासत ने, तो उस चीज को की सफाई आनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि जो शाहिद खाकान अबासी साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तो जरा अलग रखें, ये जो PMLN के लीडर्स हैं तमाम बिलशमूल प्राइम मिनिस्टर के, वो सब कह रहे हैं कि बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। अच्छा, और साथ तो नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं बिल्कुल मैं खड़ा हूं उससे जो मैंने बात की है, और अब तो उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि जी आप कमीशन बनाएं, देखेंगे हमारे हालात क्यों है। ये एक और लंबी बहस है कि हमारे हालात क्यों है वहां, तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर उसी इंटरव्यू पे रहें, और जो किस्सा इस वक्त सबसे पेचीदा हो गया वो ये है कि नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपनी उस बात पे अड़े हुए हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जी मुझे मिसकोट किया है तो ये मेरा ये तो मतलब नहीं है। अब क्या मतलब है क्या और हकीकत क्या है, वो सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले बात यह है कि आप बहसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आपको एक एक लफ्ज समझ बूझ के अदा करना चाहिए। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने किया है हमें ये समझ नहीं आती इसका, ये क्या चाह रहे हैं, कुछ हासिल इनको होगा नहीं क्योंकि लोग सब परेशान हैं ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं। अभी अगर कमीशन की बात है तो ये हुकूमत में रह चुके थे, कमीशन बनाते, कारगिल पे चाहते तो कारगिल पे कमीशन बनाते, इस पर मुंबई पे बनाते, अपना ब्रॉड जो इश्यूज हैं उस पर बनाते, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग में जो भी ये कहते रहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, इन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जो आज ये कह रहे हैं एक्शन ले। अब इस मौके पे ये बातें करना जबकि इनके खिलाफ केस चल रहा है, पार्टी इनकी इतनी मुश्किल में, हमें तो लगता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब से बढ़ के कोई अपना खुदकुश मिशन पे ही नहीं है पार्टी के हवाले से, कि क्या पार्टी को इसे मुल्क को, तो जो मुल्क के हवाले से जो हजार सवाल उठेंगे पूरी दुनिया में वो तो अपनी जगह है, और वो जाहिर है वो चीज है जो हर पाकिस्तानी को परेशान कर रही है कि ये नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा, जिसमें के प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे और मिनिस्टर्स बैठे थे PMLN के, उन्होंने कहा जी हम नवाज शरीफ साहब के कमेंट्स रद्द करते हैं। अच्छा, अब निकल के फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी देखिएगा, वो भी अजब किस्सा है। हमें सबको बताया, हम इस्लामाबाद में नहीं मौजूद थे, लाहौर में हमें बताया PM हाउस के लोगों ने कहा कि जी हम लाइव फीड फौरन देंगे इस पे PTV पे, तो उस पर आप देखेंगे। अच्छा, वो खुद तय किया इन्होंने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं ब्रॉडकास्ट करेंगे, लेकिन आपने देखा कि सोशल मीडिया पे देखे लग रहा है कि जैसे पता नहीं किसने ISPR ने या किसने रुकवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई PTV आपका अपना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी है, आप उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करते, आपने उसको नहीं लाइव ब्रॉडकास्ट किया क्योंकि जाहिर है जो सवाल जवाब उठे शायद खाकान अबासी साहब उसका जवाब नहीं दे पाए। और ये तो हर बच्चे बच्चे के ऊपर नजर आ रहा है कि एक कंफ्यूजन कितनी बड़ी है, कॉन्ट्रडिक्शन कितनी बड़ी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट में उठ के बड़ी सहल तरीके से बड़ी सिंपल बात की, उन्होंने बहुत अच्छे, उन्होंने पहले शुक्रिया अदा किया
प्राइम मिनिस्टर तक कि जी ये नवाज शरीफ साहब आप ये कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा और मिस कोट हुआ है, तो सिंपल बात है कि फिर आप डॉन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं कि मिस कोट किया है। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है जिसको कहते हैं ना इज रनिंग सर्कल अराउंड इटसेल्फ, अपने लिए इतनी कंफ्यूजन हो गई। और नवाज शरीफ साहब तो अब ये कह रहे हैं कि जी पता चले कि ये अब उनका एक रद्द अमल आ रहा है, अच्छा जी आप मुझे गद्दार कह रहे हैं, मुझे क्यों गद्दार कह रहे हैं, देखे ना उन्होंने क्या कहा है। ये तो जैसे पांचवीं जमात की कच्ची जमात में बच्चे आपस में लड़ते हैं कि तुमने ऐसे किया तुमने, ये मुल्क है, ये रियासत है, ये हुकूमत है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ये तो एक एक लव सोच समझ के अदा करना चाहिए। अब वो अगर उनपे सियासी प्रेशर आ रहा है उसके नतीजे में ये कर रहे हैं, अच्छा ये जो सोच है कि दुनिया में ये कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसके नतीजे में हमें ये हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के कहने पे, इससे मैं इत्तफाक नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि एक स्टेटमेंट से खुदा ना खासा कोई हमारे बहुत ही खतरनाक पैदा हो जाए। असल सवाल है, असल सवाल है कि नवाज शरीफ साहब कितनी जिम्मेदाराना तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।